मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह का हुआ पर्दाफाश। रुपईडीहा पुलिस के हत्थे चढ़े 3 मोटरसाइकिल चोर, और जहां 21 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आगामी लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी के दौरान चौराहे पर चेकिंग के समय सफलता मिली है। जहां आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल समेत तमंचा बरामद हुआ है। आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 10,000 रुपए नगद इनाम दिए हैं। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायालय भेजा है। एसपी बहराइच वरेंद्र शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ यंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों के खिलाफ अन्य जिले में भी शिकायत दर्ज है, जिनकी सूचना एकत्रित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों ने बॉर्डर क्षेत्र के एक जर्जर मकान को अपना ठिकाना बनाया था। चोरी की गई बाइक को एकत्रित करते थे और जर्जर भवन में पत्तों से छुपा कर चोरी किए हुए वाहन को रखते थे। यहीं से चोरी किए हुए वाहन को नेपाल भी भेजा जाता था। मीडिया के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया गया है, जो कि सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच से दो पहिया वाहनों की चोरी करते थे। इनको नेपाल का जो जंगल क्षेत्र है बॉर्डर का, वहां पर छुपा कर रखते थे और फिर नेपाल में इनकी अवैध बिक्री करते थे। तो इस जुर्म में 3 लोग गैंग के तौर पे काम कर रहे थे, जिनका नाम है प्रेम कुमार चौहान, तीरथ राम मौर्य और जय जय राम यादव। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और स्थानीय पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से इनसे चोरी किए हुए 21 वाहनों की बरामदगी की गई है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है और बहुत जल्द इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या हमारे संबंधित कैसे चुराते थे और क्या करते थे जी? ये जो हम इनके विरुद्ध जो अन्य मुकदमे इन वाहनों से संबंधित लिखे गए हैं, उसकी जानकारी संबंधित जनपदों से की जा रही है, ताकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो विशेष रूप से पता लगे और आगे इस केस में और खुलासा। डंपिंग कहाँ करते थे और क्या किस तरीके से? इन्होंने एक जर्जर मकान चिन्हित किया हुआ था बॉर्डर क्षेत्र में, जहाँ कोई जाता नहीं था, वहाँ पे ये पत्तों से छुपाकर वाहनों को रख देते थे और फिर वहाँ इनका संपर्क नेपाल में था कुछ ऐसे लोगों से, जो आके वाहन देख लेते थे और वहाँ ले जाके गाड़ी छुपाते थे। नहीं, ये एक मकान में गाड़ियों को छुपाते रखते थे।